हेलो हेलो हेलो। सो आपको ये बर्फ़ दिख रही होगी अभी ऑलरेडी, बाहर टेम्परेचर हो रहा है -10 degrees एंड वी आर हेडिंग इन टारगेट। यू सी दिस बिग सर्कल, बड़ा सा सर्कल, सर्कल के अंदर गोला, टारगेट स्टोर है ये। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और आपको अंदर की एक डिटेल्स दिखाएंगे और थोड़ा दिखाएंगे कि अंदर स्टोर में क्या क्या सामान मिलता है, कैसे कैसे मिलता है, यहाँ पर हम लोग क्या क्या सामान देख सकते हैं और ले सकते हैं। और बाकी अगर आपको ये दिख रहा हो, ग्रेट क्लिप से यहाँ का हेयर कटिंग नाई की दुकान है बोला जाए तो, ठीक है। और बाकी अंदर टारगेट है और हम आपको अभी डिटेल्स की व्यू दिखाते हैं इसके अंदर जाकर। थैंक यू। सो आज मैं आपको यहाँ पर US में रेगुलर स्टोर्स होते हैं अपने, जहाँ पर हम लोग सामान वामान लेने के लिए जाते हैं। स्टोर्स मतलब के सुपर स्टोर जैसे हैं, जैसे अपने यहाँ बिग बाज़ार होता है। बिग बाज़ार में आपको कपड़े भी मिल जाएंगे, खाने का सामान भी मिल जाएगा। बिग बाज़ार अब तो बंद ही हो गया वैसे तो, ये सेक्शन, खैर हम यहाँ से चलते हैं आगे। बट ये आपका कपड़ों का सेक्शन है, इस स्टोर का नाम है टारगेट। टारगेट अच्छा ठीक स्टोर्स में से आता है, जिसमें कि आपका प्राइसिंग भी ठीक रहती है और क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। बाकी अगर आपको कम प्राइस में और सामान चाहिए तो चीप एंड बेस्ट के हिसाब से वॉलमार्ट चले जाते हैं लोग काफ़ी सारे। देखिए यहाँ पर प्रेगनेंसी वाला भी स्पेशली सेक्शन है, अगर आप देखो तो प्रेगनेंसी के कपड़ों का, मॉम एंड मी टाइप का सेक्शन। बाकी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह का सेक्शन है, क्लोथिंग है, ये शूज़ हैं। सो लगभग जब आप आ जाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आपको सारा का सारा ही सामान मिल जाएगा। मेल फीमेल किड सेक्शन, लड़कों के लड़कियों के सबके कपड़े। और एक चीज़ यहाँ पर और स्पेशल होती है कि ये केवल टारगेट स्टोर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी जगह की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पर लोग या तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बड़े मतलब के लंबे चौड़े, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मोटे भी होते हैं, तो उनको नॉर्मल कपड़े नहीं आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल सेक्शन होता है जहाँ पर डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल, जो कि हमारे यहाँ के हिसाब से लिटरली तंबू के साइज़ के कपड़े होंगे, वो भी मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा मोड़ा बच्चों का सेक्शन है जहाँ पर आपको बच्चों का सामान मिल जाएगा। बेबी फूड का सेक्शन हो गया, ये डाइपर्स वगैरह का सेक्शन हो गया। सो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था, यहाँ पे ये सारा, ये आपको आप देखो सीट्स हो गई, कार सीट्स हो गए, बच्चों के सामान ज़्यादातर सभी कुछ मिल जाएगा। ये देखो मैट्रेस हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्टिंग US के बारे में, यहाँ पर आप बच्चों को अपने साथ नहीं सुला सकते। ये देखो अंग्रेज़ों के बच्चे हमारी तरह ही झिकाते हैं यहाँ पर स्टोर में, हमारे बच्चे शांति से बैठे हैं, अंग्रेज़ों के पिन 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 कर रहे हैं। ये देखिए गर्ल्स का सेक्शन, टॉयज़ का। अब यहाँ पर आने में बच्चों के साथ इसीलिए डर लगता है क्योंकि बच्चे देख लेंगे और फिर जो फैल मचाते हैं ये लोग। हमारा वाला टॉय टॉय कर रहे हैं। ये देखिए हमारा वाला भी चालू हो गया। क्या चाहिए तुमको वासु? ये देखिए वासु क्या चाहिए तुम्हें, भर के रखा हुआ है इन्होंने ऑलरेडी। ये यहाँ पर अभी भी CD रेंटिंग का कॉन्सेप्ट है, लोग अभी भी CDs लेकर के जाते हैं घर पर, रेंट कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, जो अपने यहाँ तो टोटली ऑनलाइन हो चुका है। मुझे लगता है इंडिया काफ़ी मामले में बहुत एडवांस है। ये देखिए बहुत प्यारा सा सेक्शन है, अगेन बच्चों के टॉयज़ का। इतना ज़्यादा ये बच्चों को फैसिनेट करती हैं चीज़ें कि बच्चे बिल्कुल ही आपे से बाहर हो जाते हैं ये सब सेक्शन देख करके, ठीक है। और देखिए ये इन्होंने अभी वैलेंटाइंस डे के हिसाब से पूरा रीअरेंज किया हुआ है सेक्शन, ये इसी हिसाब से आप देखोगे सब कुछ मोस्टली चॉकलेट, यहाँ पर स्वीट्स के नाम पर चॉकलेट ही चॉकलेट मिलती हैं। ये देखिए हार्ट्स और पिंकी पोंकी आप देखोगे सारा का सारा। अच्छा ओके, कुत्तों से भी बहुत प्यार है खैर ये सेक्शन कुत्तों का नहीं है, बट ये सेक्शन एक्चुअली प्लांटिंग वगैरह का है। और बाकी फूड्स वगैरह सारे कुछ चॉकलेट्स है कि जैसा मैंने बोला आपको चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं आपको। पैकेज्ड वाटर अभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिकता है, लोग पैकेज्ड वाटर में अभी भी बिलीव करते हैं। जबकि अच्छा यहाँ पर एक बहुत बड़ा मोटापे के पीछे रीज़न है कि लोग कोल्ड ड्रिंक्स हद से ज़्यादा पीते हैं, एक्स्ट्रा या तो हेल्थ कॉन्शियस होंगे जैसे कि यहाँ पर ये साइकिल्स दिख रही हैं आपको, या फिर एकदम मोटे लंबे चौड़े बढ़िया जैसे कि मैं पहले बता रहा था। बाकी ये देखिए थोड़ा बहुत ड्रिंक्स वगैरह जो लोग करते हैं उनके हिसाब से, ये सीरियल्स का सेक्शन हो गया,
ये फ्रोजन का सेक्शन हो गया, आने वाला है फ्रोजन का सेक्शन। तो हाँ, मैं बच्चों के बारे में आपको एक बात बता रहा था कि यहाँ पर आप बच्चों को अपने साथ नहीं सुला सकते, बच्चों को आपको अपने से अलग ही सुलाना है, आप बच्चों को अपने बिस्तर में नहीं सुलाएंगे, इसीलिए यहाँ पर बच्चों के लिए क्रिप्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग टाइप के दूध मिलते हैं, आमंड मिल्क, रेगुलर मिल्क, दही को यहाँ पे योगर्ट कहते हैं, और ये देखिए फ्रूट्स एंड वेजीज का सेक्शन आ गया, ये फ्रोजन का सेक्शन आ गया, और ये देखिए केले यहाँ पर ऐसे टंगे हुए मिलते हैं, फल यहाँ पर ऐसे थैलियों में पैक मिलते हैं। ये सारा का सारा मीट का सेक्शन हो गया, जिसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, हम लोग वेजिटेरियंस हैं। लोग अच्छा ये भी बहुत क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप US में रह के वेजिटेरियन होके कैसे सर्वाइव कर लेते हैं, बट इट इज़ मैनेजेबल, हो जाता है। अगर आपको खाना ही है देन तो खैर कोई रोक ही नहीं है। ये देखिए डॉग फूड का सेक्शन, जैसा कि मैंने कहा था। अच्छा, बड़ी मज़ेदार चीज़, ये सारे के सारे जो ज़्यादातर टॉयज़ आप देख रहे हैं, ये सब कुत्तों के हैं कुत्तों के लिए हैं ये तो बहुत फ़नी चीज़ें भी होती हैं जो एज एन इंडियन हम लोगों को बहुत ऑकवर्ड सी लगती हैं, बट ठीक है, आप कल्चर के साथ अडाप्ट करते हो उन चीज़ों को अपने साथ साथ। ये बाकी आपका रूटीन सामान हो गया, जैसे कि आप झाड़ू पोछा बर्तन साफ़ सफाई का सामान सारा का सारा, कपड़े धोने का सामान, जैसे अपने यहाँ टाइड चलता है यहाँ भी टाइड चलता है, और बहुत सारे डिटर्जेंट चलते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का डिटर्जेंट आता है, उसको पॉड्स कहते हैं, आई थिंक अपने यहाँ भी आता है अभी वो। ये बाकी फीमेल सैनिटरी सेक्शन हो गया, ये आप देखोगे यहाँ पर स्टेशनरी की भी शॉप दुकानें हैं सारी की सारी, अच्छे से काफ़ी कुछ है। और इसके बाद डिटेल्ड अगर आप देखोगे आगे, ये थोड़ा बेसिकली मेडिसिन का, ये जो CVS फार्मेसी आप देख रहे हो, ये अपने यहाँ जो मेडिकल स्टोर होते हैं उसको यहाँ पर फार्मेसी कहते हैं। और यहाँ पर कोई भी एंटीबायोटिक आप अपने आप नहीं खरीद सकते, आपको वो डॉक्टर से लिखवाना पड़ेगा और फिर उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। बाकी मल्टीविटामिन वगैरह हैं, वो आप जा कर के अपने आप ख़रीद सकते हैं। ये बाकी हेयर एंड हेयर केयर वगैरह का सेक्शन है, यहाँ पर कलर्स, शैम्पू अलग अलग टाइप के, जो कि अगर मैं अंदर घुस गया तो मेरी बीवी नहीं निकल के आएगी यहाँ से बाहर, आई नो। एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स हेयर, लाइक आप अपना स्किन केयर के हिसाब से काफ़ी सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं यहाँ पर। सो गाइज, अब मैं आप स्टॉप करता हूँ वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद मी, थैंक यू, बाय।